स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज थेरेपी की। इसमें हमने इंडिकेशंस देखी, उसको डायग्नोस किस तरह करना है उसका क्राइटेरिया देख लिया, डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख ली कि किस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जब आप ये सारे काम कर लेते हो तो फिर हमने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने तीन टेक्निक्स अभी देखी हैं। इसके बाद जो हम कुछ टेक्निक्स हैं उनको देखने के बाद प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिकली हम अपने ऊपर ये कुछ मूवमेंट कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके ट्राई करें कि ये किस तरह से मूवमेंट कम्प्लीट। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे और इस पॉइंट पे हमने देख लिया। अब हर एक के अंदर उसका मेजर मैकेनिज्म दिया गया है कि उसमें एक्चुअल में जब हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं तो जो अंडरलाइंग प्रोसीजर है वो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मसाज थेरेपी में लोकल इस्कीमिया अप्लाई कर रहे हैं और जब उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है तो हाइपरमिया अक्सर होता है, वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, पेशेंट रिलैक्स फील करता है, जो पेन जिस वजह से हो रही थी वो रिमूव हो जाती है। इसके अलावा मायोफेशियल रिलीज ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसको डीप मसाज के साथ अप्लाई किया जाता है। मायोफेशियल रिलीज में और मसाज थेरेपी में एक जेंटल डिफरेंस है, एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। मसाज थेरेपी के अंदर हम मसल्स को डील कर रहे हैं, जबकि मायोफेशियल रिलीज में हम मसल का जो मायोफेशिया है उसको स्ट्रेच अप्लाई करते हैं और ड्यूरिंग स्ट्रेच तो पेशेंट समटाइम्स अनकंफर्ट फील करता है बट आफ्टर द रिलीज वो बहुत रिलैक्स फील करता है। तो ये एक हमारे पास टेक्निक है। इसके अलावा इस्कीमिक कंप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है और हम इसको आइडियली यूज़ करते हैं। जहाँ पे पेन हो रहा हो और आपने वही टेस्ट भी करना है और उसके बाद उस एरिया के सराउंडिंग्स में सबसे पहले आप इस्कीमिया जनरेट करोगे, इस्कीमिक कंप्रेशन डेवलप करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे और वो प्रेशर अप्लाई आपने कितनी देर में करके रखना है और किस तरह से कर सकते हो, आप अपने थंब के साथ कर सकते हो, आप अपनी एल्बो के साथ कर सकते हो, ग्लूटियाई के ऊपर मसल लार्ज है तो वहाँ पे थंब के साथ अप्लाई करना मुश्किल होता है तो उस वक्त हम एल्बो यूज करते हैं। कंप्रेशन वहाँ पे सर्व क्या कर रहा है, हाइपर स्टिमुलेट कर रहा है। जब पेन आपने उस एरिया को हाइपर स्टिमुलेट कर दिया और उसके बाद रिलीज करोगे तो 60 सेकंड में पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे ये टेक्निक अब सिंपली है कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब पेन सबसाइड हो जाती है तो आप ग्रेजुअली वो प्रेशर कम करते चले जाते हो और उसके बाद उस एरिया पे पेशेंट सॉफ्टनेस फील करता है, जो टाइटनेस डेवलप हुई होती है वो रिलैक्स फील करता है। यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है और कौन सी नहीं करनी। डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, ये भी एक बड़ा मैटर करता है कि जब हम इस तरह की टेक्निक अप्लाई करते हैं तो जेंडर डिफरेंस आ जाए तो वहाँ पे कुछ एथिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं। वेस्ट के अंदर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब हम अपनी लोकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशन होती हैं उनको माइंड में रखते हुए हमने इन बातों को डील करना होता है।
मैंने आपसे एक केस सिनेरियो जो हुसैन में मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो इस तरह के सिनेरियोज आपको फेस करना पड़ सकते हैं, तो बस ये बातें आपने माइंड में रखना है, बाकी आप ये सारे काम कर सकते हो। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हम वहाँ पे स्ट्रेच अप्लाई करेंगे, मसल्स को जेंटली रिलैक्स करेंगे और उससे पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक ये जितनी मैंने टेक्निक्स पढ़ी हैं ये सारी की सारी मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स हैं, फिजियोथेरेपी ने अपने मैजिकल हैंड के साथ ये सारा कुछ परफॉर्म करना है। इसके अलावा हम कुछ नॉन मैनुअल इंटरवेंशन भी अप्लाई करते हैं। मैंने आपसे शुरू में पूछा था स्ट्रेचिंग से पेन स्पीयर हो जाए तो हम क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहली बात, हम ये जो मैनुअल टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं हम शुरू में ये नहीं करते, हम पहला जो पढ़ा था स्ट्रेच एंड स्प्रे या स्ट्रेच एंड आइस, उसमें स्प्रे एंड आइस वो हमारी नॉन मैनुअल इंटरवेंशन है, तो वो पेन मैनेज करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हम मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज के साथ रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे पास हीटिंग मोडेलिटीज हैं, उसमें हमारे पास कोल्ड मोडेलिटीज हैं और कुछ और डिफरेंट इंटरवेंशन हैं जो मैं अभी आपको नॉन मैनुअल इंटरवेंशन में एक्सप्लेन करूँगा। तो जब हम ये मोडेलिटीज अप्लाई करने के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं तो फिर पेशेंट की पेन नहीं बढ़ती। जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो मोडेलिटीज को यूज करने के बाद हमें अपनी मैनुअल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, फिर पेन इंक्रीज नहीं होगी। इन केस फिर भी पेन बढ़ रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपने या तो ओवर स्ट्रेच अप्लाई कर दिया है या आपने टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं की। ये दो बातें होती हैं और फिर हम अपनी मॉडेलिटीज के साथ हेल्प ले सकते हैं। ये क्या लिखा है, गैंगस्ट्रेन थेरेपी, ये गैंगस्ट्रेन वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है आपने बता दें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने नॉन मैनुअल थेरेपी इंटरवेंशन में जो टेक्निक अप्लाई करना है उनमें हमारे पास थर्मोथेरेपी, इसमें मॉइस्ट हीट, अल्ट्रासाउंड, हॉट टब सेशन, डिफरेंट हम 5 to 15 minutes ड्यूरेशन के साथ ये अप्लाई करते हैं। उसके बाद जी हम कर सकते हैं, अब दोनों कंडीशन में ये हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोल्ड थेरेपी भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट की पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त हम क्रायोथेरेपी, उसकी आइसिंग और वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं और उसके बाद वहाँ पे पैसिव स्ट्रेच अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन की, तो ये इंजेक्शन अब हम इसको ड्राई नीडलिंग के अंदर भी कंसिडर करते हैं। ड्राई नीडलिंग में जब हम ये इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उन पॉइंट्स को इनएक्टिव किया जाता है और समटाइम्स हम वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करने के बाद ये इंजेक्शन थेरेपी कर रहे होते हैं और जो टाइट फाइब्रस बैंड हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जब वो फाइब्रस बैंड रिलैक्स होंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट रिलैक्स फील करेगा। और जब आपने इंजेक्शन ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन अप्लाई किए हैं तो अल्टी उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपके ये जो इंजेक्शन है उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद हम हीट भी अप्लाई करेंगे ताकि उस लोकलाइज्ड एरिया की सर्कुलेशन इन्हेंस की जाए, वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगी तो पेन अल्टीमेटली कम होगी।
कुछ हम केसेस के अंदर हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी अप्लाई करते हैं, ये कंपेरेबल है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो अगर पेशेंट ये कहे कि हाँ, हमारे पास ना एक पेशेंट बाज दफ़ा आते हैं, किसी जगह पे उन्होंने ड्राई नीडलिंग करवाई, तो ड्राई नीडलिंग का कॉन्सेप्ट फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि ये फ़ायदा करता है और कितना फ़ायदा है, लेकिन हमने अपनी जनरल पॉपुलेशन को ये समझाना समटाइम्स मुश्किल होता है। और बहुत से क्लिनिकल सिनेरियोज में हमने पेशेंट प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटाइज करना होता है। पेशेंट डिमांड्स, पेशेंट नीड्स एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए और अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो समटाइम्स जब आपने इंजेक्शन अप्लाई करना है तो पेशेंट रिफ्यूज कर देता है कि मुझे चुभन होगी, पेन होगी। और ड्राई नीडलिंग में भी एक पेशेंट हमारे पास इधर क्लिनिकल सेटिंग में आए, हुसैन में ही, वो कहते हैं ये मैं फलां जगह पे ट्रीटमेंट करवा रहा था, वहाँ पे वो सुइयां चुभते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये सुइयां नहीं चुभवानी, मैंने आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो पेशेंट से ये सारी आप जितनी आपने टेक्निक अप्लाई करनी है, एक वो आप सबसे पहले जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसे एक्सप्लेन किया करो कि जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करने लगे हैं ये क्या फ़ायदा देगा आपको, ये हमने किस तरह से टेक्निक अप्लाई करनी है और ये इसके बाद आप फील करेंगे। तो ड्राई नीडलिंग में या इंजेक्शन थेरेपी के अंदर पेशेंट अगर रिफ्यूज करते तो फिर हमारे पास उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी करते हैं। और हम नॉन इन्वेसिव में क्या क्या काम कर सकते हैं, पॉजिटिव और प्रेपिटेटिंग फैक्टर्स, उसको ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसका पोस्चर डिस्टर्ब है, उसका कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उसे आप चेंज कर दो, उसे आइडेंटिफाई करो और उसके बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन कर दो। तो जब आप ये काम कर लोगे तो उससे भी पेशेंट रिलैक्स फील करेगा। यहाँ पे ये एक कैफीन इंटेक के बारे में लिखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनमें भी ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब फिजियोथेरेपिस्ट ने ट्राई करना है कि उनको गाइड करें, और जब उनको आप ये सारी बातें गाइड करोगे तो अल्टीमेटली पेन ख़त्म हो जाएगी। अकुपंचर और ड्राई नीडलिंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, दोनों में नीडल्स ही यूज की जा रही हैं, बट जो अकुपंचर थेरेपी है ये ड्राई नीडलिंग सिंपल आप नीडल यूज कर रहे हो, बट अकुपंचर थेरेपी के अंदर वो कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं। तो फिर अकुपंचर के अंदर लोकेशन बहुत मैटर करती है। ड्राई नीडलिंग हम मोस्टली मसल्स के ऊपर कर रहे होते हैं या जॉइंट्स को डील कर रहे हैं, तो कुछ अगर हम इसको ब्रॉडली बताएं तो ओकोपंक्चर का ही एक कंपोनेंट है ड्राई नीडलिंग। तो दोनों टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये सारी मेडिकेशन भी हेल्प करती हैं मसल का मेटाबॉलिज्म इन्हेंस करने में, और पेशेंट को इससे भी रिलीफ मिलता है। तो ये सारी एडजंक्टिव थेरेपीज हैं जो आपने करवानी हैं। बायोफीडबैक एंड मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये भी हम अप्लाई करते हैं। अब बायोफीडबैक क्या होता है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने पेशेंट का रिस्पांस मॉनिटर करना होता है, और वो पेशेंट रिस्पांस हमारे पास बायोफीडबैक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उससे भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेशेंट को आप प्रॉपर एक्सरसाइज गाइड करोगे, एक्सरसाइज करवाओगे, तो अंडरलाइन एक्सरसाइज का पूरा मैकेनिज्म आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से इन्हेंस हो रही है, और वो लिमिट कर देगा रेकरेंस ऑफ मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स। इसके अलावा कुछ काउंटर इरिटेशन होते हैं जो कि एक बड़ा पुराना मेथड है। इसमें हम पेन स्पेल, पेन साइकिल को ब्रेक करते हैं और जो पेनफुल कंडीशन हैं उसको, पेन गेट थ्योरी को हम चेंज करते हैं, पेन गेट थ्योरी को टारगेट करते हैं।
काउंटर इरिटेशन एक मैं आपको टेंस से बताता हूँ कि जब हम टेंस अप्लाई कर रहे हैं उससे लोकलाइज्ड एरिया पे सराउंडिंग पे आप मसल ट्विचिंग करवा रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ड्राई नीडलिंग की बात की, तो वहाँ पे ड्राई नीडलिंग का मैकेनिज्म क्या है कि टिश्यू को वहाँ पे इंजरी इंड्यूस की जा रही है, बहुत एक्यूट माइनर इंजरी है, और जब आप वहाँ पे नीडल रिमूव करते हो तो जो माइक्रो ट्रॉमा किया है वहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा को हील करने के लिए हमारे बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल फिनोमेना है, वो एक्टिव हो जाता है। तो हीलिंग प्रोसेस को आप इनिशिएट करवा रहे हो तो उस हीलिंग से वहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट है वो रिलीज हो जाता है। काउंटर इरिटेशन में एक लेमैन एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा था, एक स्टोरी सुन ले आप, उसके सर में बहुत दर्द था, ये काफी इलाज करवाया उसे आराम ना आया, तो वो चलते चलते किसी बाबे के पास पहुंच गया। उसने बताया जी कि मुझे इस तरह सर दर्द बहुत ज्यादा है, तो मुझे कुछ इलाज करें, मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया है तो मैं रिलैक्स ठीक नहीं हो रहा। उस बाबे के पास कोयले पड़े थे, गर्म कोयले, और उनके ऊपर एक लोहे की सलाख पड़ी थी, आयरन रोड था। तो बाबा जी ने कहा अच्छा मैं तेरा अभी इलाज करता हूँ, इधर बैठ जा। बैठ गया तो बाबा जी ने वो आयरन रोड उठाया, उसके पाँव के ऊपर रख दिया। अब वो चीखे मारने लग गया, हाय मेरा पैर गया, हाय मेरा पैर। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा सर दर्द की सुनाओ क्या हाल है। सर दर्द खुल गया और पैर दर्द सारा गायब है। काउंटर इरिटेशन आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप कुछ और इनिशिएट कर रहे हो पेनफुल कंडीशन को, तो उससे जो प्रीवियस पेन है वो पेशेंट भूल जाता है। तो ये अब हम इस तरह आयरन रोड तो गर्म करके नहीं लगाएंगे, लेकिन और बहुत से मेथड्स होते हैं वो हम मॉडिफिकेशन खुद ही जनरेट करते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी में जितना कुछ हमने पढ़ा इसमें से हम बहुत सी चीज़ें कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक, हाँ फिर इसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी 10th EMS में ऑलरेडी आपको बता चुका ये हम अप्लाई करेंगे। तो ये डिफरेंट हमारे पास मैनुअल एंड नॉन मैनुअल इंटरवेंशन हैं जो कि हम ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो भी मैं एंड करूँगा और क्लिनिकल पोर्शन के लिए न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये मीटिंग भी हमें एंड करना पड़ेगी। यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करो सर। जी कोई क्वेश्चन है? ओ सर चलो ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग एंड करने लगा हूँ। टॉट पैल्पेबल बैंड का बता दें तो। Palpable band किसे पहले कौन सा वर्ड बोला है आपने? Not palpable band लिखवाया था आपने MI major criteria में third point है। Tight palpable band, हाँ वहाँ पे muscles tightness हुई होगी, तो उसी muscle tightness को हमने taut का नाम दिया। अब palpable का मतलब है कि आप उसे palpate करोगे तो आपको feel होगा कि यहाँ पे कुछ hardness है। आप सिंपली एक सिंपल से मैं आपको प्रैक्टिकली ही करवाता हूँ, आप सारे लोग भी परफॉर्म कर लें। आप अपने बाइसेप के मसल बैली को फील करें और इसको आप पैल्पेट करें, तो आपको बाइसेप इजीली पैल्पेट हो रहा है, आपने बाइसेप को यहाँ पे पैल्पेट कर लिया है, तो ये पैल्पेशन है। आप जब भी मसल को पकड़ोगे और उसको आप फील कर रहे हो, अब पूरे मसल को आप जब चेक करते हो तो नॉर्मली आपको ये एक जैसा फील होगा, बट इन केस ऑफ पेशेंट आपको किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे उसी मसल के ऊपर बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होगी, दैट विल बी टॉट पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब पैल्पेशन करना, आपने पैल्पेट करके उसको चेक करना है कि वो वहां पे पेन कॉज कर रहा है या नहीं कर रहा। गॉट इट सर? किसी का कोई और क्वेश्चन?
चलें ठीक है, मैं ये मीटिंग एंड करूंगा तो आप दोबारा से रिज्वाइन करिएगा।